जातियां समूचे देश में है, उसका विभाजन समूचे देश में है, लेकिन बिहार आकर ऐसा क्या हो जाता है कि विभाजन की ये लकीरें इतनी गहरी हो जाती? क्यों किसी नेता की पहचान उसकी पार्टी से पहले उसकी जाति के साथ जुड़ जाती है? क्यों ऐसा होता है कि यहां पर अगर हम एक मुस्लिम समुदाय को भी ले लें तो उतनी जातियों में बंटवारा उसका पूरे देश में नहीं है जितना कि बिहार में आकर हो जाता है? ये वोट बैंक है या फिर कुछ और? हाशिए पर हैं, किनारे पर हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष बल किया गया। आजादी से पहले जातिवाद के बंधनों से मुक्ति के लिए छटपटाने वाला त्रिवेणी संघ के जरिए पहचान के लिए चिल्लाने वाला तो कभी जनेऊ आंदोलन के जरिए आवाज उठाने वाला ये बिहार है। बोलता है कि जाति इसी जाति से आते हैं तो वो कभी आके आप लोग के लिए काम किया ना? साहब के हमने के वोट दी ला जा। हाँ, कोई काम किया? हमने कहा केहू ना काम कर ला, सब कति वोट दी ला जा, हमने के बस केहू ना काम कर रहा था। आपको लग रहा है कि वो जातिवाद की जो बंटवारा है, जो लकीर है, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है बिहार में? अभी तो बढ़ रहा है। अच्छा। पहले से जातिवाद इस समय बढ़ रहा है और जातीयवाद के आधार पर इस इलेक्शन का लोगों को सीट भी मिल रहा है। कभी बंदूक की गोलियों से जातियों के नाम पर लाशों के ढेर लगाने वाला भी यही बिहार है। बिहार में वो जो दलित जातियों में जो परसेंटेज है, जैसे कि जो वहां पे चमार जाटो जाति है वो 6% और पासवान जाति भी 6% और करीब बाकी जातियां भी 6% में सिमट जाती है। तो यानी एक किसी जाति का बहुत बहुमत सा है नहीं जिसपे कि कोई राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक विकल्प खड़ा हो पाता। इसके नाते जो नक्सलबाड़ी आंदोलन था वो धीरे धीरे फैलता हुआ यहां आया, तो जब उन्हें लोकतांत्रिक रास्ता नहीं मिला तो बहुत सारे जातिगत समूह उस हिंसक आंदोलन से। कभी राजनीति की पजल में जातियों के टुकड़े अपनी सुविधा से सेट करने वाला भी यही बिहार है। ये बिहार है सामाजिक क्रांतियों की अगवानी सबसे पहले करता है। ये बिहार है राजनीतिक प्रयोगों को सबसे पहले करता है, लेकिन जातियों के मुद्दे पर कहीं ठिठक सजाता है। गरीबी से संघर्ष बिहार को परिस्थितियों से मिला, लेकिन जातिगत संघर्ष बिहार ने सत्ता की लड़ाई में खुद के लिए खुद ही चुना। आजादी के बाद बिहार गठन से शुरू हुआ जाति संघर्षों का सिलसिला सुशासन की संज्ञा तक जारी। केवल बिहार के ऊपर ये कलंक लगाना उचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, जहां कहीं भी ऐसे क्षेत्रीय दल का निर्माण हुआ है वो सभी क्षेत्रीय दल इसी जातीय आधार पर ही हुआ है। और इसलिए हुआ कि वहां की जो प्रमुख जातियां हैं उनको राजनीति में, प्रशासन में जो उचित हिस्सेदारी नहीं मिलती थी उसके खिलाफ उन जातियों ने विद्रोह किया और संगठित होकर काम किया। ये कहा जाता है और माना भी जाता है कि जातियां तो हर राज्य में हैं, लेकिन बिहार में जातियों के विभाजन जमीनों पर इतने गहरे हैं कि वो बिहार की पहचान बन चुके हैं। उन विभाजनों की लकीर पर चलते हुए हम महादलितों के टोले में गए। सब मुसारी जाते हैं, हम लोग को बहुत खाए पिए का भी तकलीफ है, रहे भी की तकलीफ है। घर में कितना आदमी रह रहा है? पानी
हम उस गांव भी गए जहां जाति रक्षा की व्याकुलता ने एक सशस्त्र सेना का ही गठन कर दिया। और यहीं रणवीर बाबा के जय बोल के हम लोग और एक संगठन का निर्माण किया और उस संगठन का नाम उस समय लोगों ने रणवीर सेना दिया। बाहर से आकर के लोग यहाँ पर इन लोगों को गुमराह कर दिए। सब कुछ बर्बाद हो चुका है इस जातीय विद्वेष में। बहुत लोगों की जाने भी गई। बहुत जाने गई। हम बिहार के उस समाज के पास तक गए जो मुस्लिम है लेकिन मुसलमानों के लिए उतना मुसलमान नहीं, जो दलित है लेकिन दलितों के लिए उतना दलित नहीं, जातियों के बीच जो अब भी अपनी राजनीतिक सामाजिक पहचान के लिए संघर्षरत है। भूमि सेना, लोरिक सेना, रणबीर सेना और न जाने कितने कॉमरेडों को देखा, कितने विद्रोहों हिंसक आंदोलनों को देखा, लेकिन जातियों के जाल में कितना उलझा रहा बिहार ये महसूस करने के लिए हम सुलगती जातिवादी रेखाओं के पार गए। बिहार में जातीय लकीरें क्यों इतनी गहरी हैं? इसकी एक पृष्ठभूमि भी है और वर्तमान भी, और जाति की इन लकीरों की तह तक जाने के लिए हम उस वर्ग के पास सबसे पहले चलते हैं जिसे कहने के लिए नौकरियों में आरक्षण है, कानून में संरक्षण है, लेकिन जो रोटी कपड़ा मकान के लिए भी तरसते हैं। जातीय संघर्ष जो होता रहा है उसमें क्या गंवाया है आपने, इस गांव ने? बचा क्या, न खेती बची, न रोजगार बचा, सब कुछ बर्बाद हो चुका है इस जातीय विद्वेष में। आजादी के 70 बरस बीत चुके हैं, आरक्षण को लागू हुए भी कई दशक बीते, लेकिन दो रोटी के ऊपर सब्जी की जरूरत अब भी बस जरूरत है। क्या बात है कि जिस बिहार ने देश को पहला दलित मुख्यमंत्री और देश को पहला दलित उप प्रधानमंत्री दिया, वहाँ इतनी सरकारें और समय बीतने के बाद भी स्थिति ऐसी है। अरे कसम तो हमने के उड़ पड़ के कमा के हमने के खइबे करब, बाकी बड़ी रहे के हमने के बड़ी दिक्कत बा, एगो घर में पानी के दिक्कत बा, रहो के दिक्कत बा। अब बतलाई रउआ सब अब आइल बन जा तो हमनियो के तनी व्यवस्था कर देती जानू, तो रउआ सबके बड़ी हमने के गोड़ा धो के या पियती जाके। तो पानी पानी कहाँ से पीते हैं, कहाँ है पानी? हो के वहीं से बड़ी गंद चली ना देखी ना, तो भर के रखते हैं कि भर भर ले आने लगा। कहाँ है, दिखाइए, घर में है किसी के पानी रखा हुआ? ना। आरा जिले का ये गिद्धा गांव जहाँ पर मुसरों की ये टोली है, यहाँ पर करीब 250 से ज्यादा लोग रहते हैं, कुछ कमरे हैं बस। महादलित कहा जाता है मुसहर जाति को। अब तो बिहार में सभी दलित महादलित की श्रेणी में आते हैं, लेकिन क्या सिर्फ एक तमगे के साथ इनकी हकीकत बदल जाएगी? क्या सिर्फ ये कह देने से कि हाँ कुछ सुविधाएं दी जाएंगी इनको, नौकरियों में आरक्षण होगा, शिक्षा मिलेगी नहीं, क्योंकि यहां पर दिक्कतें उस हिसाब से भी हैं। और ये देखिए, सबसे बुनियादी सुविधा, नौकरी तो आगे आएगी, शिक्षा उसके बाद आएगी, पहले तो जीना है या नहीं जीना है। ये पीने के पानी का इकलौता नल है यहां पर, इकलौता नल जहां से प्रदूषित पानी आता है। प्रदूषित पानी क्यों आता है वो इस पूरे हिस्से को देखकर समझ लीजिए। सीवेज का पानी है, ये सीवेज का पानी है। इधर का हिस्सा कीचड़ में तब्दील हो चुका है जहां कपड़े धोने होते हैं इन सबको मिलकर, क्योंकि जल का स्रोत यही है। अब जातियों के हिसाब से वो सामाजिक क्रांति कहां है, वो सामाजिक न्याय कहां है? इस पीड़ा को और विस्तार से समझाने से पहले आपको ये बताते हैं कि बिहार में दलितों की सामाजिक उपस्थिति कैसी। दलितों में अलग अलग नाम की जातियां हैं, कहीं और होते तो इनमें दलित होते, पिछड़े होते, आदिवासी होते, बिहार में है तो सब महादलित हैं। नीतीश राज में पहले दलित कैटेगरी में आने वाली 22 जातियों में से पासवान को छोड़कर 21 को महादलित की श्रेणी में डाल दिया था। 2018 में पासवान समाज को भी महादलित में शामिल किया गया। अब बिहार में दलित कोई नहीं है, जो है वो सवर्ण है, ओबीसी है या महादलित है। सामाजिक न्याय को लेकर बिहार में आंदोलन भी हुए हैं और नेता भी खड़े हुए हैं, रामविलास पासवान जी भी उनमें से एक चेहरा रहे हैं। आज कितनी सामाजिक क्रांति आपको दिखती है बिहार में, आपको कितनी वो कमी दिखती है? क्योंकि कुछ होती है योजनाएं जो कागज पर रह जाती है, लेकिन जमीन पर जाकर देखिए तो सबकी हालत वही। सामाजिक न्याय की परिकाष्ठा या परिभाषा आज की तारीख में ये है कि आपकी हत्या होगी तो आपको रोजगार दिया जाएगा, ये सामाजिक न्याय नहीं हो सकता।
सामाजिक न्याय जातीयता को और बढ़ाना नहीं हो सकता, दलित को महादलित करना, पिछड़ा को अति पिछड़ा करना नहीं हो सकता। आपको सर्व समाज की आपको बात करनी होगी, आपको सबको एक साथ, आपको इंक्लूसिव राजनीति करनी होगी। अगर आप लोगों को आप अलग अलग बांट ही देंगे, आपने उनमें भेदभाव कर ही दिया, आपने तो दलितों में पिछड़ों में जिस तरीके से आपने बंटवारा किया, क्यों आप सबको एक साथ लेकर? पापा मुझे हमेशा बोलते थे कि अगर भारत में कोई एक जाति है तो वो सिर्फ एक, जो गरीबी है। और इस गरीबी, इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं, और मैं मानता हूं इस बात को ईमानदारी से, जब तक आप हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ाएंगे, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ाएंगे, क्यों आप इस तरीके की योजनाओं का आप जिक्र करते हैं कि भैया किसी के परिवार में हत्या हो तभी आप उनके यहाँ रोजगार देंगे? क्यों आप इस तरीके की सोच को भी किसी के मन में डालने की आप कोशिश करते हैं? क्यों आप एक ऐसी व्यवस्था नहीं बनाते जहाँ पे बिना किसी जातीयता के भेद के हर वो गरीब व्यक्ति जिसके पास आज़ादी के 70 साल के बाद भी पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, रहने के लिए मकान नहीं है, उसको कैसे मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, उसके लिए योजना क्यों नहीं बनाते? मतलब नौकरी में आरक्षण से पहले शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं का आरक्षण भी हो, वो सारी जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है। इसे विडंबना कहिए या राजनीति की कसीदाकारी, जो एक पूरा समाज दलित से और निचले पायदान पर चला गया। बात शुरू होती है 2005 से, जब नीतीश कुमार एनडीए के सहयोग से मुख्यमंत्री बने। उनके पीछे लालू राज था और सामाजिक न्याय का मुस्लिम यादव समीकरण भी था। सामने उपेक्षित महसूस करता दलित समाज था। गैर यादव वोट बैंक को साधने के लिए नीतीश सरकार ने कुर्मी, कोयरी, भूमिहार और महादलित फॉर्मूला तैयार कर लिया। शुरू में पासवान को छोड़कर बाकी सभी दलित वर्गों को महादलित में रखा, लेकिन जब 2014 में नीतीश ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया तो मांझी खुद को महादलितों के नेता के तौर पर प्रचारित करने लगे। नीतीश कुमार ने मांझी की काट के लिए दोबारा गद्दी संभालने पर पासवान समाज को भी महादलित श्रेणी में शामिल कर दिया। अगर सिर्फ पासवान और मुसहरों को ही जोड़ लिया जाए तो उनकी संख्या महादलितों की आधी बैठती है, लेकिन दोनों के नेताओं ने खुद को बड़ा बनाने में ऊर्जा ज्यादा खपाई। नतीजा ये कि एक ऊंची आवाज कभी बन ही नहीं पाई। सालों नहीं दशकों से बिहार में सामाजिक न्याय की बात होती है, लेकिन अगर सचमुच में वो क्रांति आई, अगर सचमुच में सामाजिक न्याय हुआ, तो क्यों आज दलित कुछ और दलित नजर आता है? हम कागज की कुछ योजनाओं की भी बात आपको बताते हैं। महादलित विकास मिशन बिहार की सरकारी सच्चाई है। बिहार महादलित विकास मिशन को बहुत कुछ तय करना था, जिनमें दशरथ मांझी कौशल विकास के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार शामिल है। मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना के तहत 1 से 5 तक की कक्षा में विद्यार्थियों को ड्रेस के लिए नकद 500 रुपए का प्रावधान है। महादलित शौचालय निर्माण योजना के तहत शौचालयों की व्यवस्था है। महादलित आवास योजना है। महादलित जलापूर्ति योजना है। महादलित स्वास्थ्य कार्ड है। महादलित आवासीय विद्यालय है। लंबी फहरिस्त है विकास के नाम पर। कोटा के अंदर कोटा के तहत आरक्षण के अधिक लाभ की वकालत भी है, लेकिन जमीन पर देखिए तो जिंदगी नून तेल लकड़ियों से ऊपर उठ ही नहीं पाई। गैस यहाँ पे, गैस मिला, गैस चूल्हा किसी को मिला यहाँ पे? ये जो सामने क्या शौचालय बन रहा है? कब से बन रहा है? अभी तैयार होता है। एक महीना से बन रहा है। आयो 1 महीना, अभी 8 दिन भइल है लाइन घिचैला। 6 महीना राशन, मुफ्त वाला राशन यहाँ पर आया था? राशन आया था, 5 किलो मिला रहे। हाँ, हमारे सगर पैसा मिला रहे, तो हमने के खाली चाउरे खाली मिला। हमने के अथी कोरोना के चलते सगर देसा देसी पैसा भेटल, आए जब भेटते नहीं थे, कोई नहीं दिया ना, केहू देते नहीं। सरकार खा गल, सब सरकारे खाता है। हमने के देखी रहुआ सब, हमने के देते नहीं थे, हमने के कैसे भेटी ता रहुआ के कहते राशन भेटा ता राशन। उधर पीछे गांव में तो सब कह रहे थे मिल रहा है, यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। हमने के नाम मिला महीना महीना चिमकी में। हाँ, कोरोना में और गाय पैसा मिलत रहे, चार मिलत रहे, नहीं मिल रहा ना, खाली यहाँ खाली पॉलिथीन में डाल के, चिमकी में डाल के 5-5 किलो, कभी एक किलो आलू, एक किलो, इसके अलावा बाकी चीज नहीं मिली ना, कुछ ना। 5 किलो चावल से का हुई, तो 2 टाइम में खत्म हो जाए, 10 परिवार रहता। अखनी से पहले, कोरोना से पहले कभी मिला था? वही गाड़ी मिला रहा है, 2 किलो ही मिला है बस। हाँ, वो मिल गया बस, बंद हो गए। हाँ, कितना बच्चा है? एक गोबा। अच्छा, आपके घर में कितना है? हमारा घर में 4 गो। 4 गो बच्चा। आदमी कितना है? आदमी 7 गो। 7 गो आदमी, सब मिला के 7 आदमी या 4 बच्चा, सब मिला के एक कमरा में? हाँ।
जिन जातियों के नाम पर आरक्षण के हक की बात की जाती है, उन जातियों के पुरुष आज भी सुबह सुबह काम की तलाश में निकलते हैं, ये जानते हुए कि शायद आज खाली हाथ ही घर लौटना पड़े। 25 डिसमिल जमीन है, वही में 30-40 को घर, 72 को बाहर, कई को घर बाहर, हाथी घर बाहर, वही में एक आदमी के 10 को 12 को परिवार पाल रहा है। काम क्या करता है सर? काम रोजी रोटी भी बंद है। काम कहू के किसान का लगता है तो करे जाते हैं, आ नहीं लगता है तो घर अपन रहता है। एक दिन कमाया है तो वह 2-4 दिन बैठ के कमाते हैं, कुछ खेती बदारी करते हैं। सब एक जाति का आदमी रह रहा है? सब एक जाति है। अच्छा। सब मुसारी जाति है जी। हम लोग को बहुत खाए पिए का भी तकलीफ है, रहे भी के तकलीफ है जी। सब घर का आदमी इस समय अभी काम, अब वही काम में जेने तेन आदमी गए। क्या काम मिल जाएगा खेत वेत में? खेत वेत में मजदूरी के कितना मिल जाता है? पैसा तो हम लोग 250 रुपये मिल रहा है, 300 तक ले मिल रहा है। अगर काम मिल जाए तो? काम मिल जाता है 300 तक ले मिलता है। हाँ। जी एक दिन में मिल जाता है? एक दिन में मिलता है। उतने में कितना आदमी को पालना है? उतने में हम लोग वही में सावन करते हैं, 10-12 का परिवार है, वही में पालन कर रहे हैं। जातियों का विभाजन सिर्फ बिहार में नहीं है। हाँ, यहाँ पर लकीरें थोड़ी गहरी हैं, लेकिन गांव में अलग अलग जातियों के हिसाब से वहाँ पर टोले मोहल्ले होना एक आम बात है। लेकिन कहते हैं ना कि भले ही इतिहास ने लकीरें गहरी कर दी, लेकिन वर्तमान में कुछ चीजें बदलती भी हैं। कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहां पर जातियों को भूलकर छोड़कर सारे लोग एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बातें करते हैं। जैसे ये लिट्टी चोखा की दुकान है, कोई नाम रखे हैं दुकान का? लिट्टी चोखा का दुकान है दुखन चौधरी का। अच्छा, यहाँ पे सब जाति का टोला होता है अपना अपना रहने? हाँ, चौधरी का दुकान है। पासवान? हाँ। नहीं, चौधरी, चौधरी पासी, पासवानी में। हाँ, उसमें दुकान है मेरा। तो ये टोला कहाँ है आपका रहने का? इधर में है टोला, बगल में घर बनाए हैं। घर बनाए? हाँ। हम लोग पीछे से देखते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर सुविधा वगैरह जो पानी, खाना, आपका अस्पताल, स्कूल, ये सब मिलता है? मिलेगा, कभी कभी मिलेगा, वो आगे हॉस्पिटल सदर गईला के बाद में मिलेगा। हाँ, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा सो है बिना सुई दवाई के आदमी रहता है लोग। जरा सा ध्यान देकर सोचें तो ये सवाल भी मन में आता है कि कहीं संख्या बल के कारण ये लोग कोरी राजनीति का सिर्फ हिस्सा बनकर तो नहीं रह गए? बिहार की राजनीतिक इतिहास के ज्यादा पन्ने नहीं पलटने होंगे, लेकिन ये दिख जाएगा कि दलितों और पिछड़ों के लिए सबसे पहले संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने क्या क्या देखा था। कर्पूरी ठाकुर जनता पार्टी के नेता के तौर पर जून 1977 को बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही पिछड़ों को आरक्षण के वादे को पूरा करने का काम शुरू किया, जिसकी वजह से वो अपनी ही पार्टी के अंदर आलोचना का शिकार होने लगे। यहां तक कि जेपी पर भी कर्पूरी ठाकुर से नाराजगी की बात कही गई थी। ऊंची जातियों के दबाव में उन्हें 26% से घटाकर आरक्षण 20% करना पड़ा, फिर भी उनकी सरकार गिरा दी गई। कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति का संघर्ष तो समूचे देश में एक समान है, लेकिन सवाल सोच के उस जाति वाले विभाजन पर भी है, जहां हर व्यक्ति की पहली जिज्ञासा ये होती है कि सामने वाले की जाति क्या है। और शायद एक चक्र सा है, बिहार में राजनीतिक पार्टियों का गठन भी जैसे जाति देखकर होता है, और अपनी जाति के नेता पर अधिक विश्वास भी सामान्य है। धन्यवाद, बोलिए मेरे साथ भारत माता की। यहाँ पर सब आप लोग अलग अलग हैं जो बैठे हैं? हाँ, अब बदल रहा है, बाकी उतना नहीं बदल रहा है। क्या नहीं बदला है? अभी तो जो सरकार है वो हम तो सोचते हैं कि नया सरकार आए तेजस्वी यादव का। आपका नाम क्या हुआ? उपेंद्र यादव। आप क्यों चाहते हैं कि तेजस्वी का सरकार? नया परिवर्तन हो तेजस्वी यादव के। हाँ। और नया सरकार चाहिए। अच्छा। जी, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लिए। रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि, बिहार की इसी धरती के रामधारी सिंह दिनकर, उनकी जो सोच है वो आम जनमानस की सोच यहाँ पर रही, यानी बिहार में एक आम इंसान की सोच इस तरह की अगर रही है तो फिर आज का सच ऐसा क्यों है? आज चाहे अनचाहे जाति बिहार की आदत में शामिल है।
भेदभाव भले 21वीं सदी में थोड़ा बहुत धुंधला रहे हो, लेकिन जातीय हिंसा का रक्त रंजित इतिहास लोगों को कुछ भूलने नहीं देता। जातीय संघर्ष की पहली हत्या इस पूरे गांव में इसी घर ने देखी थी। वो दर्द आज भी आंखों से जाता नहीं है। बहुत आसान होता है जातियों में ऊंची नीची ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देना, लेकिन जो यथार्थ होता है, जो जमीनी हकीकत है, जिस माहौल में जिस संघर्ष के साथ लोग जीते हैं, वहां आकर देखने की आवश्यकता है कि जाति क्या है। पैसे की मदद, कुछ कॉम्पेंसेशन, मुआवजा कुछ मिला था? जी नहीं, उस समय हमारा साथ देने के लिए गांव भी तैयार नहीं था। संघर्ष था जी हाँ, माले के बरबचस चलत रहे, किसान लोग के तंग करना रहे, धान लूट लो, खेत खलिहान में आग लगा दो, सुतले मार दो, जाके काट कर चल जा घर। पहली घटना थी हत्या? जी हाँ, इस गांव में पहली घटना थी। बहुत आतंक जैसा बहुत एकदम बहुत ज्यादा वो रहा होगा। दम उसो साल में तो बुझाते ना रहे के हु जी ही के मुंह ही के रही की का होई अतना उपद्रव भई रहे। होने के बाद भी पुलिस भी मदद के लिए नहीं आन केहू ना मदद कर ले रहे। पुलिस गांव घर केहू ना मदद कर ले रहे। नब्बे के दशक से नई शताब्दी तक का जो पुल बिहार ने पार किया, उसके नीचे जातिगत संघर्षों में बहे खून की नदियां हैं। देखने में छोटा सा लगता है भोजपुर जिले का बिलौर गांव, लेकिन इसके चौक से होकर जब गुजरते हैं, वहां लगी एक विशाल काय प्रतिमा इस गांव के वृहद इतिहास का पता देती है। ये रणबीर सेना की जन्मभूमि नहीं है, रणबीर बाबा की जन्मभूमि है। रणबीर बाबा यहीं के थे, वो हमारे पूर्वज थे। हम लोगों का तो रणबीर बाबा थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। हम लोगों के पूर्वज थे रणबीर। स्वाभिमान को प्रतिबिंबित करने की कोशिश करती और थोड़ी तेज होती इस आवाज से जातिगत संघर्षों के वो तीन सिरे निकलते हैं जो बिहार की पहचान अब भी है, और वो पहचान खून से सनी है। जातिगत संघर्ष की नींव रखी 1977 में बेलछी गांव में हुई 10 लोगों की नृशंस हत्या ने। इंदिरा गांधी तब कीचड़ से भरे इस गांव में हाथी पर बैठकर गईं, और इसका फायदा ये हुआ कि वो बिहार में दलितों की ताकत से कांग्रेस को सत्ता में वापसी कराने में कामयाब हो सकी। 1987 में औरंगाबाद में 52 भूमिहारों की हत्या ने बिहार को सुलगा दिया, और संघर्ष की वो जमीन तैयार हुई जिसकी वजह से बिहार का इतिहास अब तक लाल है। 90 का दशक आते आते जमीनों के मालिकाना हक को लेकर लड़ाई उग्र हो गई। 1994 में रणवीर सेना का गठन हुआ ताकि जमीनों की रक्षा हो सके। रिटेलिएशन में उनके जवाब में दूसरी जो जातियां थी, अगड़ी जातियां थी या पिछड़ी जातियां भी थी, उन्होंने भी ऐसा सेना बनाया। हमने सुना है कुंवर सिंह सेना, सनलाइट सेना का नाम, और सबसे बड़ी रणबीर सेना का नाम, क्योंकि वहां के एक समाज के पास काफी जमीनें होती थी, उसको बचाने के चक्कर में उन्होंने भी अपनी सेनाएं बनाई। और इस प्रकार बिहार में हमने देखा कि जवाबी कार्रवाई में जातिगत समूह बनते गए और मिलिशिया बनते गए, ऐसी जातिगत सेनाएं बनती गई। दूसरी तरफ भाकपा माले लिबरेशन जैसे संगठनों ने जगह जगह जमीनों पर लाल झंडा गाड़कर जमींदारों को उनकी ही जमीन पर आने से रोकने का काम शुरू कर दिया। यहाँ सरकारों की निष्क्रियता भी भुलाई नहीं जा सकती। सरकार कह रही है कि हम जातिवाद को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन जातिवाद का बढ़ावा दिया जा रहा है। रणवीर सेना सवर्णों का सिंबल बन गई। भाकपा माले नक्सल समर्थक दलित पिछड़ों का संगठन कहलाने लगा। बीच में आ गई बेलगाम बंदूक, और बिहार का 90 का दशक खून से लाल होता चला गया। 1992 में गया के अंदर 34 सवर्णों की हत्या जमीनी लड़ाई के लिए कर दी गई। 1997 में जहानाबाद के लक्ष्मणपुर बाथे में हुए नरसंहार में 58 दलित मारे गए। 1999 में जहानाबाद में मार्क्सवादियों ने 35 भूमिहारों की हत्या कर दी। 1999 में ही जातिगत संघर्ष के चलते 23 दलितों की हत्या हुई। 2000 में औरंगाबाद के अंदर 35 पिछड़े और दलितों की हत्या हुई। बहुत लोगों की जाने भी गई है। बहुत जाने गई है। और समाज में जब कुछ नहीं होता है, सरकार जब कुछ नहीं करती है, तो यही होता है, आग लगाओ राज करो। बिहार में जातियों को समझना है तो थोड़ा सा राजनीतिक पार्टियों को भी देखना होगा।
किस तरीके से जो नेता हैं उनकी पहचान उनकी पार्टी से ज्यादा किसी जाति के साथ जुड़ जाती है और जो पार्टियां हैं उनकी जो फॉलोइंग होती है वो भी जाति विशेष में रहती है। हैरानी की बात थी कि जातियों के बंधन से मुक्ति की सबसे पहली छटपटाहट दिखाने वाला राज्य बिहार जातियों के संघर्ष में मध्यकालीन सोच की तरफ जा चुका था। सामाजिक न्याय के लिए इस दौरान भूरा बाल साफ करो का नारा लगा। भूरा बाल का मतलब था भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी कायस्थ। ये बिहार की सवर्ण जातियां थीं जिन्हें अपने अधिकार और जमीनों के छिनने का डर सताने लगा। इसी बीच कई जातीय सेनाएं और बनने लगी थीं। रणवीर सेना, कुंवर सेना, भूमि सेना, ब्रह्मऋषि सेना, सनलाइट सेना। आजाद भारत था, देश में संविधान था, लोकतंत्र था, लेकिन बिहार में निजी सेनाओं का वर्चस्व था। जरा से उकसावे पर गांवों में कई कई लाशें बिक जाती थी। राज्य सरकार की भूमिका तब क्या थी, ये बात आज भी शायद चुनावी आरोपों में नजर आती है। हम लोगों ने न्याय के साथ विकास की बात कही है प्रारंभ से, और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो लोग हाशिए पर हैं, किनारे पर हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल किया गया। कितना काम किया गया महिलाओं के उत्थान के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए, अति पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए। सरकार जिन्होंने रोजगार नहीं दिया, बेरोजगार रखा नौजवानों को, गरीबी नहीं मिटा पाए, पलायन नहीं रोक सके, भुखमरी नहीं खत्म कर सके, उनको बिहार की जनता इस बार सबक सिखाने का काम करेगी। 1992 से 2000 के बीच करीब 47 घटनाओं में 471 लोग जातीय हिंसा में मारे गए। 50 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने भी अपनी जान गंवाई। साल 2000 में बिहार विभाजन के बाद भौगोलिक परिस्थितियां बदली। पुलिस सुरक्षा और चुनाव सुधार की प्रक्रिया के बाद से लगातार जातिगत संघर्ष में कमी तो आई है। लाल सलाम का जातिवादी बवंडर था तो सामने रणवीर सेना खड़ी हुई थी। 2012 में रणवीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हो गई, लेकिन उससे पहले साल 2000 से ही तेजी पकड़ चुके कैपिटलिज्म ने ही कम्युनिज्म को भी शायद हाशिए पर धकेलना शुरू कर दिया था। आज भी बिहार के गांवों में लोगों से बात करके देखिए तो बातों ही बातों में पुराना इतिहास आंखों के सामने आ जाता है। हालात बदले हैं, कुछ कुछ सोच भी बदली है, लेकिन जातिगत संघर्षों की टीस दिलों से मिटी नहीं है। कि हम उच्च जाति के हैं, हमारा इतना बड़ा गांव है, इस गांव को हरिजन के कर दिया जाएगा, हम मुखिया के चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो जातिवाद नहीं है तो क्या है, डेवलपमेंट के नाम पर। आज की स्थितियों में जातीय हिंसा भले 90 के दशक की तरह सेनाओं का रूप न ले सके, लेकिन जातीय विचारधारा वोटों के लिए मायने रखती है, इससे कौन इनकार कर सकता है। मुसलमानों में एक विभाजन जो आप सब समझते हैं वो है शिया और सुन्नी का, लेकिन बिहार के भीतर मुसलमानों की जितनी जातियां आ जाती हैं, अकेले ओबीसी को अगर आप ले लें, उस श्रेणी में आने वाली मुस्लिम जातियां तो 30 के लगभग इसका आंकड़ा है। ये बहुत उलझाने वाला है, लेकिन बिहार की राजनीति की ही समझ में आता है। बिहार में जातियों की विवेचना केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, यहां मुसलमानों की भी इतनी जातियां हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। सोचने और बोलने में थोड़ा अटपटा लग सकता है कि मुसलमानों की बात तो संप्रदाय की हुई, फिर इसका जाति से क्या लेना देना, लेकिन ये बिहार है जहां जितनी जटिल राजनीति है उससे कहीं ज्यादा जटिल सामाजिक संरचना है, और पिछड़े वर्ग से आने वाले मुसलमानों की स्थिति उतनी ही खराब है। अभी अभी इलेक्शन का टाइम है, तब नहीं तो उससे पहले आदमी दौड़ रहा था, कोई काम नहीं। इलेक्शन का टाइम था तो आया है जी। ये यहाँ पर आप लोग शिला न्यास लगा दिया यहाँ पे, मगर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पर लिख दिया कि काम हो गया, वो सामने मंदिर के पास बोर्ड लगा दिया। कब से रह रहे हैं हम यहाँ पर? 40 बरस से। 40 बरस हाँ। सब आप लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन मतलब कागज पे तो बहुत सारे आप लोगों के लिए वो हैं कि क्या क्या मिलेगा। रिलीफ नहीं मिला, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं। मुस्लिम समुदाय के भीतर ही अगड़े पिछड़े का फर्क तब नजर आया
जब पसमांदा मुसलमानों को खासकर नीतीश कुमार ने अपने वोट बैंक की तरह तैयार किया। नीतीश चाहे आरजेडी के साथ जाएं, चाहे बीजेपी के साथ, पसमांदा मुसलमान अमूमन उनके साथ खड़े नजर आते हैं। एक और दिलचस्प आंकड़े पर नजर डालिए कि किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के हिसाब से मुसलमानों में ओबीसी जातियों का वर्गीकरण किया गया है, और देखिए कि कितनी जातियां केवल इस श्रेणी में मुसलमान समुदाय से आ जाती हैं। बिहार में कुल मुस्लिम आबादी 17% है, जिसमें शेख, सैयद, पठान जैसे सवर्ण मुसलमानों की संख्या 15-20%, जबकि हज्जाम, मनिहार, जुलाहा, दर्जी, पसमांदा जैसे दलित और पिछड़ी जाति के मुसलमान हैं, जिनकी संख्या 80-85% तक है। इन सभी के लिए खास तौर पर कई सारी स्कीमों का ऐलान भी समय समय पर हुआ है, लेकिन वो हर 5 साल में एक बार अपना चेहरा दिखाकर लगता है कहीं गायब हो जाते हैं। परिवार लोग मिलजुल के कमाते हैं और मिलजुल के भी रहते हैं, और यहाँ पे ज्यादातर गरीब लोग ऐसी हैं कि कोई किसी के घर में भी जाके काम करती हैं, कोई घर के अंदर बैठ के भी काम करती हैं, पर सब लोग यहाँ पे मजबूर हैं, ये नहीं कि कोई सौकारा है। लेकिन यही बात होना चाहिए इंसान को कि हर घर में हर चीज का सुविधा होना चाहिए, ये नहीं कि किसी का औहदा ऊंचा है तो उसके घर में सुविधा हो। केंद्र सरकार की सूची के अनुसार बिहार के मुसलमानों में इदरिसी या दर्जी, कलाल, कलवार, कालर या राकी, कुलाहिया, शेरशाहबादी, साइकिलगर, बाखो, ठकुराई, शरीफ, अब्दल, कसाब, कलंदर, कागजी, गद्दी, चिक समेत 23 जातियां पिछड़े वर्ग में आती हैं। राज्य सरकार के अनुसार कुल 29 जातियां मुसलमानों में पिछड़े वर्ग में आती हैं। इनमें अब्दल, भाको, भाथियारा, पठानी, दफाली, धुनिया, गद्दी, इदरिसी, कागजी, कलंदर, कलार, मदारी, मेहतर जैसी जातियां शामिल हैं। देश अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है, लेकिन बिहार अपने लिए अपनी रफ्तार खुद चुनता है। विकास के पहियों पर राज्य को दौड़ाने की बातें तो होती हैं, लेकिन जातियों का ईंधन अब भी सबसे जरूरी नजर आता है। बुनियादी जरूरतें होती हैं इंसान की, रोटी, कपड़ा और मकान की, लेकिन अगर आज भी चर्चा उसी जाति में जाकर उलझ जाती है तो फिर सोचना तो होगा कि विकास ये एक शब्द मुद्दा क्यों नहीं रह जाता है। अभी के लिए इतना ही। अभिमन्यु शर्मा और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।